करा करके मैं अपनी वाणी को पवित्र कर दूं। एक बार हमारे पूज्य महाराज जी से, हमारे बड़े गुरुदेव से, ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी से किसी ने पूछा कि महाराज जी आप एक बात बताइए, हम लोग जितने हरिनाम की महिमा सुनते हैं उसके बाद ऐसा होता है कि हरिनाम करने का मन करता है बहुत ज्यादा, 16-16 माला खींच देते हैं, 20-20 माला, 24-24, 32-32, कभी 1,00,000, लेकिन धीरे 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 करके ऐसा होता है कि कभी कभी मन जो है धीरे 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 करके शिथिल हो जाता है, फिर उसके बाद कम हो जाती है संख्या, ऐसा क्यों? तो महाराज जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया हमारे बड़े गुरुदेव ने। गुरुदेव बोले कि जैसे आप लोग टॉर्च जलाते हो, चार्जिंग वाली जो टॉर्च आती है वो जब जलाते हो तो शुरू में फुल लाइट देती है, लेकिन धीरे 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 करके उसकी बैटरी लो हो जाती है, तो आप क्या करते हो, तो चार्जर में फिट कर देते हो उसको, और फिट करने के बाद वो पुनः चार्ज हो जाती है। ऐसे ही जब भगवान का हरिनाम करते करते बाद में यदि ऐसा हो जाए कि शिथिलता आ जाए, तो फिर से गुरुदेव का सत्संग सुन करके, हरिनाम की महिमा सुन करके, फिर से प्रेरणा प्राप्त करके और फिर से हरिनाम में लग जाओ, ऐसा श्री महाराज जी ने कहा था। आज ही वो सत्संग में सुन करके आया हूँ। और फिर गुरु महाराज जी की आज्ञा है कि आप लोग खूब, गुरुदेव ने आप सभी को तो हरिनाम दे ही रखा है, आप लोग सब हरिनाम करते भी होंगे, इसलिए आप लोग कुछ, इसलिए अधिक विषय ना बताकर, अधिक विषय नहीं, देखो हम लोग क्या भगवान से, हम लोग को किस तरीके से श्री भगवान से मांगना चाहिए, हम लोग को श्री भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा नाम जो है, भगवान का नाम की संख्या बढ़े और विशुद्ध नाम हमारे मुख से निकले, यही हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। एक बार एक छोटा सा बालक अपने पिता के साथ किसी मिठाई की, किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ गया, तो जब रिश्तेदार के यहाँ पे गया तो वहां पे एक अंकल थे उसके, तो उसने कहा, उसने क्या किया, उसने क्या किया, कूलर को बंद कर दो सर, लाइट चली गई, हाँ, तो क्या हुआ, तो रिश्तेदार के यहाँ गया छोटा सा बालक अपने पिता के साथ, तो पिता ने क्या किया, पिता ने उसको कहा देखिए तुम्हारे अंकल हैं, नमस्ते करो, तो उसने प्रणाम किया। उन्हें प्रणाम करने के बाद उस व्यक्ति ने जिनके यहाँ गया था उसके अंकल ने क्या किया, उसके अंकल ने एक टॉफी का डब्बा जो है वो उसके आगे कर दिया, और उसके आगे करने के बाद कहा कि बच्चे ले ले, तुम ले लो, तुम्हें टॉफी चाहिए तो ले लो। तो उस बच्चे ने मना कर दिया, नहीं नहीं मुझको नहीं चाहिए। उसके पिता ने भी उसको कहा कि ले लो, अंकल दे रहे हैं तो ले लो, तो उसने कहा नहीं 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 चाहिए। तो अंकल तो फिर क्या किया, अंकल जबरदस्ती करने लगे, तो अंकल ने अपने हाथ से वो उसमें से मिठाई निकाल करके उसके हाथ में दे दी, तो उसने तुरंत ले ली, और कुछ गिर भी गई थी उसको वापस से उठा दिया। उसके पिता ने उसको घर जाकर के पूछा कि भाई एक बात बता, तूने पहले तो मना कर दिया फिर वापस से क्यों ले ली। उसने कहा इसीलिए क्योंकि यदि मैं अपने हाथ से उस मिठाई को लेता तो कम ले पाता, लेकिन उन अंकल ने अपने बड़े हाथों से मिठाई दी तो मुझे ज्यादा प्राप्त हुई। ऐसे ही हमारी वासना और कामनाओं के अनुसार हम भगवान से मांग करते हैं तो बहुत छोटी मांग करते हैं, पर श्री भगवान जब रीझते हैं तो बहुत बड़ी चीज हम लोग को दे देते हैं। ऐसे श्री भगवान की मंगलमय महिमा है। ऐसे ही भगवान के दिव्य नाम का स्मरण करते करते आप लोग आगे, और मंत्र और भगवान के नाम में भी जाप, भगवान के नाम लेने में भी एक शर्त है, शर्त नहीं तो एक निर्देश गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मेरे मंत्र का, भगवान के दिव्य नाम के, भगवान के मंत्र का जाप करना पर कैसे, बोले मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, विश्वास के साथ भगवान का नाम, कि भगवान के नाम के अलावा, भगवान के नाम और श्री भगवान में कोई भी भेद नहीं है, कोई भी भेद नहीं है। जब गुरुदेव कृपा करते हैं, जब घर में पधारते हैं, तो सारे के सारे तीर्थ, सारे के सारे धाम, सारे के सारे अनुष्ठान, सारे के सारे पुण्य, पुण्यार्थ, पुण्य अर्जित, पुण्य तत्व, पुण्य समस्त, पुण्यार्थ समस्त, पुण्य एक साथ एकत्रित होकर के घर में प्रविष्ट हो जाते हैं। संत के आने की यही महिमा है।
घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखूं आव तो मेरे मन में तो यू ही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो बड़े भाग से संत पधारे उठकर करूं प्रणाम, सेवा करूं भाग मेरे जागे घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखूं आव तो मेरे मन में तो यू ही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। ऐसे श्री महाराज जी आप लोग के घर पधारे हैं, संत आपके घर आए हैं, भगवत भागवत चरित्रों से घर के समस्त वातावरण को यथार्थ शुद्ध कर देने वाला दिव्य भगवान और सद्गुरुदेव के मुख से सरस जो हुआ उद्वचन हुआ दिव्य शब्द आप लोगों का मंगल करें। इन्हीं सभी शब्दों के साथ वांछा कल्प करू वृक्ष कृपा वचन पतिता नाम पावन यो ओम अज्ञान तिम्रांगस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सप्रथमाग्ने कृते ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत् सब श्री भक्ति विनाश सिद्ध गोस्वामी कृते महाराज के श्री चरण कमलों में निरंकुश साक्षात गुरु प्रणाम करता हूँ। उसके पश्चात उपस्थित यहाँ समस्त वैष्णव सभी को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। आज बहुत ही शुभ दिन है कि संत लोग गुरुदेव हमारे घर पर पधारे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं है, इस संसार में कोई भी बड़ा सौभाग्य नहीं है कि गुरुदेव से सुना है, कहते हैं कि जहाँ पर संत आगमन हो जाता है वहाँ की जितनी बुराइयां हैं, वहाँ के दुर्व्यवहार है, वहाँ की क्या नाम विनाशकारी शक्तियां हैं या कोई राक्षसी शक्तियां हैं, वे सब अपने आप ही विनाश हो जाती है। ये घर आज घर नहीं रहा, स्वयं धाम बन गया, क्योंकि साक्षात जो भगवान को प्रदान करने वाले हैं, भगवान ही नहीं जो भगवान को भी देने वाले हैं, वे साक्षात गुरुदेव आज आपके घर पर पधारे हैं। इस घर की इतनी महिमा है कि स्वयं जहाँ गुरुदेव पधारते हैं उसकी महिमा स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं लिख पा रहे हैं। गुरुदेव के बारे में हमने गुरुदेव के मुख से सुना है कि अगर इस पृथ्वी को कागज बना लिया जाए और जितने भी पृथ्वी पर समुद्र है उसको साई बना लिया जाए और जितने भी वनस्पतियां है उनको कलम बना लिया जाए तो गुरुदेव की महिमा का गुणगान भी नहीं लिखा जा सकता। ये गुरुदेव की महिमा बताई गई है। तो आज इसी वाणी को कहकर मैं क्षमा मांगता हूँ, वांछा कवि कृपा सिंधु गौर प्रेमानंदे आप देखो मनीष प्रभु वो माइक क्या गया माइक माइक हरे कृष्ण आवाज आ रही है जी। ओम अज्ञान तिमिरां दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज किसने बुलाए राजवीर प्राजी को, क्या आप शादी से अलग रहे? हरी क्या नाम है प्रभु का? राजवीर जी, राजीव प्रभु। इसलिए आज हम लोग श्री राजीव प्रभु की शादी की सालग्रह को उपलक्ष्य करते हुए इन्होंने मुझे लगता है बड़े दिनों के बाद में ये बड़ोते में ये सत्संग रख के घर में, सब तो मना कर रहे थे, सब मना कर रहे थे नहीं अजू करुणा करुणा नहीं जानी चाहिए, लेकिन प्रभु बारम्बार प्रार्थना किया, मैंने कहा कितना दूर है, बोले ये पास ही नहीं है,
मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं चले आएंगे। इसलिए बड़े दिनों में है हम लोग आए हैं और हम किसी भी काम को उपलक्ष्य करते हुए जो भगवान के नाम संकीर्तन के द्वारा करते हैं कितना मंगल भवन अमंगल है। भगवान का जो नाम कीर्तन भक्ति सत्संग सारे अमंगल को ये दूर करने वाले और जीवन में मंगल और मंगल को देने वाले हैं। इसलिए अभी हम लोग सत्संग की महिमा सुन रहे थे कैसे बड़े भाग्य से ये सत्संग मिलता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अपना एक भक्त है जिनका नाम श्री रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी को एक बहुत एक अच्छी बात कहते हैं। वो दो लाइन में मानो ये शास्त्र का जितने सारे सिद्धांत है तत्व है वो दो लाइन में ही बताते हैं। कहते वो क्या कहते हैं, बोले ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। इसका मतलब है हम भगवान को अनादिकाल से हम भगवान को बिछोड़ते हुए अपना असली पिता माता को छोड़ करके हम 14 ब्रह्मांड और 84 लक्ष योनि में भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं देखो ये जीवन कितना कीमती ये चीज को समझो। हमको तो लगता है नहीं पैसे ही मिल गया लेकिन ठाकुर जी कहते हैं रजो भी समसंख्या का पार्थिव ही रिह जंतव। मतलब है जैसे पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकते हो, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते हैं नहीं। कहते उसी तरह ये संसार में इतने जीव है जिसको कोई गिन नहीं सकते। अब एक गिलास पानी लो हैं? आप अणुवीक्षण यंत्र से आप देखो आप देना एक गिलास पानी को अंदर में इतने बैक्टीरिया आपको मिलेगा शायद पृथ्वी में इतने जीव नहीं इतने इंसान नहीं पृथ्वी। इसलिए भगवान कहते हैं जैसे ये धूल को गिन नहीं सकते हो जीव भी इतने जीव है लेकिन किसी सौभाग्यवान जीवों को ये मानव शरीर मिलता है। किसी सौभाग्य जीवन है आप देखना हमारे अंदर में काम की वासना जाते आती है काम की वासना आती है। इसका तात्पर्य समझते हो ये वेद कहता है क्यों हृदय में हमारी इतने काम की वासना क्यों आता है कारण क्या है। बोले कारण है जीव में अनंत करोड़ जीव जगत अनंत करोड़ जीव है इसलिए ये जीव किसी तरह से जीवन पाना चाहते हैं। हमें जीवन मिले हम भटक रहे हैं ये मानव शरीर मिले इसलिए शरीर में इतने काम के जीव की उत्तेजना आती है संसार में क्यों जीव निकलना चाहते किसी तरह से हमें ये मानव शरीर मिल जाए जीव को। इसलिए कभी किसी सौभाग्यवान जीवों को ये मानव शरीर प्राप्त होता है लेकिन मानव शरीर में भी देखना ऐसे कुछ जीव है इंसान है। आप यूट्यूब देखो ना जानवर जंगल में रहते जानवर जंगल जंगली जानवर नंगे अभी भी रहते आदिवासी अभी भी नंगे रहते ऐसे कुछ जीव है लेकिन उसमें सौभाग्यवान कुछ जीव है जो कि थोड़ा सभ्यता में जैसे आते हैं कपड़े फपड़े पहन करके सभ्यता में रहते हैं लेकिन उसी में भी ऐसे कुछ जीव है जिनको वेद तो शास्त्र ग्रंथ तो मानते हैं लेकिन बहुत लोग देखोगे जो नास्तिक है अरे भगवान भगवान हम कुछ नहीं मानते अरे ठाकुर भाकुर कौन देखा है ऐसे कुछ नास्तिक लोग होते हैं लेकिन इनको अंदर में भी कुछ सौभाग्यवान व्यक्ति है जिनको थोड़ा सभ्यता में आते हैं आ करके जो लोग वेद को मानते हैं। लेकिन कुछ लोग वेद तो मानते हैं मुंह से लेकिन वेद विरुद्ध कर्म करते हैं लेकिन मुंह से ही शास्त्र ग्रंथ को मानते हैं लेकिन जो काम करते समय वेद को उल्टा काम करते हैं। लेकिन उसमें भी कोई ऐसे कुछ जीव है जिनको कर्म में रुचि है ऐसे करोड़ों करोड़ों जो कर्म में रुचि साधारण जो दान पुण्य में उसने किसको ज्ञान में रुचि होता है ऐसे करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों के अंदर में किसको ये भगवान की भक्ति में भगवान की प्रेम में कुछ लोगों का इसमें रुचि होता है और उसके अंदर में आप लोग हो उसके अंदर में ये भगवान खुद कह रहे अपना मुंह से कह रहे। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव ऐसे ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान जीवों को साधुओं का दर्शन मिलता है। तब कहते भैया कौन बल किसी वो कौन है किसको जीवन में साधु संग मिलता है किसको मिलता है। इसलिए भागवत में कहते हैं
भवा अपवर्ग भ्रमेत जदा जनस्य तहीर अचूत सत समागम। तभी जीवन में साधु संग मिलता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ना, हैं इसलिए सत संगति दुर्लभ संसारा है। इसलिए कहते बड़े भाग्य से ही जीवन में सत संग, जीवन में बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, साधारण भाग्य से नहीं। इसलिए बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं हो तब तक जीवन में ये साधु संतों का दर्शन हमें नहीं मिलता है। और जब साधु संतों का दर्शन मिल जाए फिर क्या समझो, हमारे दुख का समाधान हो गया। अब ये संसार में भटकना नहीं पड़ेगा, संसार का सारे दुख कष्ट खत्म हो गयी। ठाकुर जी हमें अपना चरण में स्थान, इस बार स्थान दे देंगे, हमें ये संसार में दुख कष्ट भोगना नहीं पड़ेगा। तहीर अच्युत सत समागम, तभी जीवन में ये साधु संत तभी जीवन में मिलता है। हैं? कहते कौन, बोले किसको जीवन में साधु संत मिलता है, बोले जिन्होंने पूर्व जन्म में बहुत भगवान की भक्ति पूजा सेवा किया है। इसलिए कहते जने पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्जनम। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते बोले अर्जुन इसी जीवन में मेरे नाम को कौन ले सकता है, मेरे नाम को इसी जीवन में कौन मेरे नाम ले सकता है। भगवान खुद कहते हैं बोले जने पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्जनम, जिसने 100 जन्म तक पिछले जीवन में भगवान वासुदेव को अर्चन पूजा की है तब भी इसी जीवन में उसको जीवा में प्रभु का नाम उच्चारित होता है। इसलिए कुछ लोगों को बोलो ना हरिनाम प्रभु का नाम जो है क्या होगा, और हमारा अच्छा नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। लेकिन टीवी देखाओ दिन भर टीवी बोल कर बैठ जाएंगे, अगर चुगली करो बुराई करो तो इससे तो बढ़िया देश जगत में कुछ है ही नहीं। लेकिन उसको बोलो थोड़ा नाम करने के लिए हर ये सब करने हमारा अच्छी नहीं लगती, क्यों, पापी है वो, पाप है। इसलिए ये पाप की वजह से प्रभु का नाम में रुचि नहीं होता है, हैं? इसलिए कहते कौन, यहाँ पर महा भगवान कहते हैं किसको ये जीवन में साधु संग प्रभु का नाम है किसको रुचि होगा, बल जिनको करोड़ों जन्म की पुण्य, क्या कर रहे हैं प्रभु जी, अरे क्या बात, चुप हो जाओ। इसलिए जिनको करोड़ों करोड़ों जन्म की कोई पुण्य उदय हो, सौभाग्य उदय हो, तभी जीवन में भगवान की भक्ति प्रभु का नाम रुचि होगा। इसलिए कहते ब्रह्मांड भ्रमित को भाग्यवान जीव, किसी भाग्यवान जीव को क्या, बोले गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी, तभी उनके हृदय में भक्ति रूपी लता की जो बीज उसका हृदय में गुरुदेव बपन करते हैं, मतलब उसको भगवान के नाम देते हैं, भगवान की मंत्र तभी मिलता है। बोले कैसे, बोले गुरु कृष्ण कृपा से है, बोले कृष्ण कृपा से मतलब बोले जीव भगवान को पता है हमने पूर्व पूर्व जन्म में कौन सा कर्म कर गया है, किसको पता है, ये ठाकुर जी को पता, हम पूर्व पूर्व जन्म में क्या करते हुए आए। देखो बड़ौत में कितना लोग है, कितने लोग, लेकिन गौड़िया मठ में कितना लोग आते हैं, अब बताओ कितने लोग आते हैं बताओ, तब क्या फिर हम क्यों बड़ौत का सब लोग क्यों नहीं आ गए, आप ही क्यों आए हो, किस लिए, अच्छा मेरे अंदर, इसलिए फिर सब कोई क्यों नहीं आए, कहते आप लोग ही क्यों आ गए, बड़ौत के लोग हैं, हैं यहाँ पर तो कितने लोग हाजिर, ऊपर बैठ जाओ, उधर उधर बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ। इसलिए इसलिए भगवान कहते हैं आप ही क्यों भक्ति में आए, और भी तो कोई आ सकते थे लेकिन आप ही क्यों आए, कारण क्या है, कारण है जो लोग भक्तों के साथ में जुड़े हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, हरि नाम करते हैं, प्रभु का नाम जप करते हैं, हैं? क्या समझो, इन्होंने पूर्व पूर्व जन्म में 100 जन्म तक इन लोगों ने भगवान की सेवा पूजा उन्होंने 100 जन्म तक की हो। केवल इतना नहीं, भगवान कपिल देव अपना माँ को ये बात कर, बोले भैया हैं, बोले भैया मेरे भक्ति कौन कर सकता है, किसको जीवा में मेरे नाम उच्चारण होता है, कौन कह रहे, भगवान कह रहे, अपना माँ देवती को भगवान कपिल देव भगवान कह रहे, कहते अहो बत सपो चो गरिया
जत जिहाग्र वर्तते नाम दुभ्यम है। क्या कह रहे हैं? कहते हैं अहो, अहो मतलब होता है जैसे कोई हम आश्चर्य चीज देखते हैं ना, हम क्या अरे क्या भाग्य है, क्या आश्चर्य, हम कहते ना कोई आश्चर्य चीज देख, हे क्या आश्चर्य, क्या है, क्या आश्चर्य। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रभु जी उधर क्यों देख रहे हो, जो करना पर पीछे चल जाना, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अहो, अभी माला फला देकर जरूर चुप बैठ हुआ, इसलिए कहते अहो, अहो मतलब होता है आश्चर्य होकर के भगवान अपना मां को कहते हैं भैया जानते हो जिवाग्रे, जिवाग्रे मतलब उसका संपूर्ण जिवा नहीं, जिनकी जिवा की अग्र देश नहीं, जो मेरे नाम को ग्रहण करते हैं, है मेरे नाम को जो ग्रहण करते, चले जिवा के अग्र देश में जी, जो व्यक्ति मेरे नाम को ग्रहण करते, बोले भैया उनको क्या समझो, बोले ये समझो पूर्व जन्म में उसने चार ही काम करके आए, कितना काम करके आए, बोलो जोर से, बोले वो चार ही काम किया है। देखो भगवान क्या कहते हैं, बोले पूर्व जन्म में जितने सारे बड़े से बड़े तपस्या है, पूर्व जन्म में सारे तपस्या उसने कर चुके हैं, ये पहला काम है। दूसरा काम है जितने बड़े से बड़े यज्ञ, ताजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, सोमजाजी यज्ञ, अलग अलग यज्ञ होता है, हैं? कहते बड़े से बड़े यज्ञ ये पूर्व जन्म में उसने करके आए। तीसरा चीज क्या है, कहते ये पूर्व जन्म में जितने तरह का दान पुण्य, जैसे कोई स्कूल खोल दे, कॉलेज खोल दे, हॉस्पिटल खोल दे, खोल देते हैं ना, इसलिए मानो पूर्व जन्म में इसने सारे हैं जितने सब दान पुण्य करके आए। बोले चौथा जी जी क्या करके आए, बोले पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है वो सारे तीर्थ में स्नान करके आए। बोले पृथ्वी में कितना तीर्थ है, बोले 6 अरब, कितने है, बोले 1 अरब कितना है, बोले 100 करोड़ में 1 अरब होता है, और उन्हें 6 अरब मतलब 600 करोड़ तीर्थ में पूर्व जन्म में उसने स्नान करके आए। तो भगवान कहते हैं अहोबत सपोच, सपोच मतलब चंडाल, चंडाल किसको कहते हैं, जो कुत्ते का मांस खाता है, कुत्ते का मांस कोई खाता है, अब देखा कुत्ते का मांस कोई खाता है नहीं, लेकिन चंडाल लोग खाते हैं, मतलब जो एकदम निकृष्ट कुल में जो जन्म हुए हैं, लेकिन अगर निकृष्ट कुल में भले ही जन्म हुए हैं, अगर दिखाई पड़ता है किसी जीवन में प्रभु का नाम ले रहा है, क्या समझो भगवान कहते हैं ये पूर्व जन्म में ये चार काम करके आए हैं, तब भी इसी जीवन में वो क्या जिह्वा अग्रे, कहते संपूर्ण जिह्वा में नहीं, ये जिह्वा की अग्र देश में जो प्रभु का नाम करता है। पहले हमारे टीकाकार कहते हैं अगर उसकी इतने महिमा, अगर जिसको पूरा जिह्वा ठाकुर का नाम करता है, बोले भैया इसका तो महिमा बता ही नहीं सकते, तो बड़े और भी पुण्यात्मा, लेकिन जो दोनों कानों से जो ठाकुर जी की कथा सुनते हैं, बोले भैया समझो और भी ज्यादा महिमा है, बोले जो इन्हीं दोनों हाथों से ठाकुर को सेवा करते हैं, बोले भैया उसका तो महिमा और ज्यादा है। कहते अगर कोई व्यक्ति इन्हीं दोनों आंखों से ठाकुर का दर्शन करते हैं, बोले उसका तो महिमा बता ही नहीं सकते, अगर कोई ये दोनों प्यार से गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, वृंदावन परिक्रमा, तुलसी परिक्रमा कर रहे हैं, बोले भैया तहार उपमा वेदे नाही सीमा त्रिभुवन नाही यार, है ब्रजेंद्र नंदन भजे जय जन सफल जीवन तार। कहते तहार उपमा वेदे नाही सीमा, वह वेद भी जिसकी महिमा को गान नहीं कर सकते हैं, इतने महिमा। इसलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी को कहते वाले रूप ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान, बड़ी सौभाग्यवान जीवों को जीवन में भक्तों का दर्शन, भगवान के नाम, भगवान की भजन पूजा साधारण व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, जिसको ऊपर में राम की कृपा, भगवान की कृपा हो, उसके ही जीवन में साधु संग मिलता है। पर साधु संग में आओ तो करे जैसे रंग करोगे सेतक, जैसे संग करोगे रंग तो भेष चढ़ेगा, शराब के पास में बैठो शराब पीना शुरू कर दो, गंजड़ी भंगड़ियों के पास में बैठो फिर गंजा शुरू कर दो, जुआरी को साथ में बैठो जुआ खेलना शुरू कर दोगे, चोर को साथ में बैठो फिर चोरी करना शुरू कर दोगे, फिर भक्तों को साथ में बैठोगे तो फिर क्या करोगे, क्या क्या भक्तों के साथ में क्या करोगे,
मगर तो क्या करोगे? फिर तो प्रभु की भक्ति करना शुरू कर दो, क्योंकि सबका रंग चढ़ता है ना, पर संतों का रंग तो चढ़ेगा ही कुछ ना कुछ, है कुछ ना कुछ तो चढ़ेगा ही है। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं, बोले मां जीवन में क्या करो? बोले संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, ओए तेरो बड़ा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, कागा से तो अंत बनावे, कागा से तो अंत बनावे, संत चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बने, संत चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बने, असंतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। इसलिए आज हम लोग का बहुत अच्छा दिन है, हमें आज जीवन में हमें भक्तों का संग भगवान की कथा कथा में भक्तों की संग भगवान की कथा जो सुनने को मिल रहा है, समझो आज हम लोगों का बहुत अच्छा दिन है। और विशेष कर प्रभु का शादी जी साल ग्रह है, और इन्होंने इसी को उपलक्ष्य करते हुए उन्होंने भक्तों को घर में बुलाए, जिनके उद्देश्य में ये सत्संग कीर्तन हो, क्या होता है सारी आशीर्वाद इनको ही मिलेगा, सारे आशीर्वाद इनको, क्योंकि जिनको उद्देश्य में गर्म उनका तो फल मिलेगा। इसलिए ये दोनों पति पत्नी को ठाकुर जी खूब आशीर्वाद दे, खूब इनको भक्ति दे। हैं साधारण लोग क्या करते हैं, शादी साल ग्रह हुआ तो हैं उल्टा पुलटा डिस्को ध्यान सब क्या माइक लगा करके उल्टा पुलटा फिल्मी का धुन में और शराब पी पा करके बोतल तोड़ फोड़ करके डीजे बजा करके उल्टा पुलटा काम करते हैं। इसलिए संत लोग कहते नहीं ये सब चीज गंदी चीज, ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में हर कोई भी काम करो अगर प्रभु का नाम से भक्ति से करो तो क्या होगा, जीवन का सारे अमंगल दूर हो जाता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है, और भगवान के आशीर्वाद से जीवन में भी हम शांति सुख में रहते हैं। इसलिए कोई भी काम हो उल्टा पुलटा व्यक्तियों को नहीं बुला करके बोतल तोड़वाना है, नहीं जानवर को नहीं मारना है, कहते हैं ना। इसलिए एक संत बहुत बड़े संत कह रहे थे, बोले जिसकी उद्देश्य में जैसे बच्चे का बर्थडे हो शादी के साल लग रहा हो, अगर उल्टा पुलटा पिक्चर के ऊपर नाचोगे और उसमें शराब पियोगे और सारे जानवर को मार कर खिलाओगे, संत कह रहे थे कहते अगर बच्चा का अगर 100 साल उम्र होगा ना उसी दिन वो 50 साल में उतर कर आ जाए। बोले क्यों? बोले तू उसको उद्देश्य में करके इतना तुमने शराब पिलाया लोगों को और इतने तुमने जानवर मरवाया, उसको पाप तो उसको लगेगा, क्यों जिसके लिए तुम करवा रहे हो है। इसलिए हमें कोई गंदी काम को नहीं करवाना, करवाना तो भगवान का कीर्तन करो, हरि कथा करो, सत्संग करो, जिससे बच्चे को ऊपर अच्छे आशीर्वाद ठाकुर की आशीर्वाद मिले और वो बच्चा फल के फूलते रहे, है खुश में रहे। ब्लसी वृंदावन बिहारी लाल लक्ष्मण प्रभु जी बोले कर बोलो बोलो सर प्रसाद तैयारी है यही बोलना था ओम ज्ञानतिम रामदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय आराधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी नामिने। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद स्तुत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज गुरुदेव के चरण कमलों में कोटि कोटि दंड ज्ञापन करता हूँ। श्री गुरुदेव की जय। उसके उपरांत मेरे शिक्षक गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों मेरा कोटि कोटि दंड प्रणाम है। उसके उपरांत हमारे समस्त वैष्णव वैष्णवों के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम है। जब घर में संत आते हैं तो घर क्या हो जाता है, गोलोक वृंदावन। और संतों में भी संतो शिरोमणि गुरुदेव आ जाते हैं तो साक्षात हरि आ जाते हैं। तो इसीलिए आज यहां पर जो सत्संग हो रहा है
निश्चित तौर से यह साक्षात हरि विराजमान है। जहां संकीर्तन होता है, कथा होती है, संतों के मुखारविंद से जब वीर्यवती कथाएं हम श्रवण करते हैं तो निश्चित तौर से हमारे चित्त में परिवर्तन आता है और सुंदर तरीके से हम जो जीवन का उद्देश्य है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है बताइए, क्या उद्देश्य है? आपने जो भक्त हैं वो नहीं, नए लोग जो हैं, माताएं बताएंगी पीछे से क्या उद्देश्य है। रोटी बनाना तो है उद्देश्य, वो तो ठीक है, इसके अलावा जो है परमार्थ को प्राप्त करना उद्देश्य, ठीक है। हरि नाम करते करते सारे काम करो, उसमें क्या होगा, धीरे 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 जो मनुष्य योनि हमें मिली है उसका पूर्णतम उद्देश्य भी हमें प्राप्त हो जाएगा। जो भगवान का चिंतन किए बगैर इस संसार से चला गया, वो व्यर्थ ही उसने अपना जीवन बिल्कुल सूकर कुकर की तरह बिता करके मरा, लेकिन जो भगवान का चिंतन करते हुए इस जीवन को यापन जिसने किया, वो दिखने में तो लगता है भाई शरीर तो सभी को छोड़ना है, दिखने में तो लगता है कि वो निश्चित तौर से मर गया, लेकिन वो मरा नहीं, वो अमृत रूपी हरिनाम का आश्रय ग्रहण करके भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों को प्राप्त कर गया। ये इस तरीके से समझेंगे जैसे एक बिल्ली है, बिल्ली क्या करती है, बिल्ली चूहे को जब मारती है तो कितनी देर लगता है चूहे को मरने में, एक दांत मारती है चूहा खत्म। तो ऐसे जो लोग हैं जो भगवान हरि का चिंतन नहीं करते, हरि नाम नहीं करते, सत्संग को नहीं ग्रहण करते, उनकी मृत्यु ठीक इसी प्रकार से है, जब काल रूपी बिल्ली आएगी तो सबको मरना पड़ेगा, लेकिन वही बिल्ली उन्हीं दांतों से चूहे को जब मारती है तो वो मर जाता है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चे को उठाती है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है तो क्या बिल्ली का बच्चा मरता है, नहीं मरता। दांत वही है, बिल्ली का मुंह वही है, काल स्वरूप बिल्ली वही है, परंतु अंतर देखो कितना, एक मर गया और एक जी गया। तो इसीलिए हरिनाम करते करते हमें जब काल आएगा, काल रूपी जो मृत्यु आएगी वो भी भक्तों को प्रणाम करती हुई, वो लीला तो करती है कि हाँ कि ये शरीर त्याग दिया, लेकिन वो शरीर त्याग करके भी वो अजर अमर हो जाता है। सरल हिंदी भाषा में तो ये, इसको बहुत सुंदर तरीके से हम समझ सकते हैं कि यदि हम भगवान का चिंतन करेंगे तो निश्चित तौर से अंत समय में भी भगवान हमारी रक्षा करने के लिए उपस्थित होंगे, क्योंकि हमारा चिंतन बना रहेगा भगवान के प्रति। लेकिन संसार का यदि हमने चिंतन करा पूरा जीवन भर, भगवान और साधुओं का संग नहीं किया, तो अंत समय में हमें संसार और दुख कष्ट ये शरीर छोड़ते हुए जो हमारा संसार के प्रति मोह हो गया, उसमें इतना कष्ट उसे छोड़ते हुए, लेकिन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक अवधि मिली हुई है। ज्यादा से ज्यादा कलयुग में 100 वर्ष हम जी सकते हैं, लेकिन देखो अभी कितना भयंकर बीमारी चल रही है। इसमें यदि कोई विवेकशील प्राणी हो तो वो समझ सकता है कि जीवन जो है नित्य नहीं है, यहां का संसार में जो हम यहां पर पैदा हुए और कभी भी जा सकते हैं, ये अनुभव इस महामारी में हम समझ सकते हैं। और यदि अभी भी हम हरिनाम का आश्रय नहीं ग्रहण करेंगे, गुरुदेव की वाणी को यदि हम अवलंबन नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। तो जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें निश्चित तौर से हरि का भजन करना चाहिए, ठीक है। अभी प्रभु जी भी आए, थोड़ा सा ये भी कुछ बोलेंगे, उसके बाद हम सब प्रसाद पाएंगे। वांछा कल्पना के पास लोग चतुर्थ नाम पावने की वैष्णव।
दश ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन दशमेशीव येन पाञ्चालवतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि शिवभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्मों ओम विष्णु पाद स्तोत्र दसी सिंह भक्ति वेदांत लसी गोस्वामी गुरु महाराज के जन्म साष्टांग भगवान चलता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पद अष्टोत्तर दसी भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पद अष्टोत्तर दसी भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों में साष्टांगम से करता हूँ। तत्पश्चात जगत गुरु प्रभुपाद सपरिकर गौर नित्यानंद प्रभु सपरिकर जगत किशोर जी चरण में साष्टांग दंडोत प्रणाम। उपस्थित सतीर्थ गुरु भ्रतवृंद पूज्यपाद नवी कृष्ण प्रभु तिलाम प्रभु अन्यान्य समस्त भक्तवृंद वैष्णव आज एक विषय गुस्सा भी है कि कोरोना काल में विशेष करके गुरुदेव के सान्निध्य प्राप्त हो रहा है सबको। विशेष करके यहाँ पे गुरु जी आए और गुरुदेव सबके ऊपर विशेष करके कृपा करने के लिए ही आए। तो पहले तो राजवीर प्रभु को बड़े अभिनंदन और उन्होंने जैसे जागतिक जगत में कुछ उत्सव हो या कुछ भी मनाते हैं गुरुदेव बोलते हैं कि पहले तो बहुत सारी चीज बोतल फोड़ते हैं ऐसा ऐसा चीज बोलते हैं शराब मदिरा मछली इत्यादि खाते हैं और खा के पहले उसको उत्सव को सब बना देते हैं जिसका आनंद को उसको छुड़वा देते हैं उतने रहता है उसमें बस सब ही रह जाता है। गुरु जी बोलते हैं जिस किचन में नॉनवेज आती नॉनवेज मतलब सब को रसोई बनाया जाता है वो किचन साक्षात शमशान ही है तो पूरा का पूरा घर भी शमशान हो जाता है और बड़े उटपटांग का चीज करते हैं। लेकिन वैष्णव जगत में बड़ा विचित्र रहता है यहाँ पे हर उत्सव में हर तिथि में कुछ ना कुछ में वैष्णव के द्वारा कीर्तन कथा का बड़ा महत्व है। यहाँ पे अप्रकट लीला में भी विरह तिथि में भी जागतिक लोग तो शोक मनाते हैं लेकिन यहाँ पे विरह तिथि में भी बड़े आनंद से चकाचक खीर जलेबी मालपुआ बढ़ता है और आविर्भाव तिथि में भी बढ़ता ही है। और जैसे भी किसी विशेष विशेष जैसे आज इनका कुछ शादी का सालगिरह है उसी उत्सव पे जो उसी माध्यम से जो वैष्णव सत्संग हो रहा है तो ये बड़ा ही दुर्लभ बात है और बड़ा ही अच्छा बात है कि बड़ोत में इसी प्रकार का हमने तो यहाँ आके देखा कि छोटे छोटे गोपाल का तिविग्रह का भी बर्थडे मनाते हैं। हमने ऐसा उड़ीसा में नहीं देखा और हर जगह कहीं पे भी हमने नहीं देखा बड़े बड़ोदवासी बड़े मतलब क्या बताए इतने पूरा उत्साह के साथ ये करते हैं। कोरोना काल में प्रभु जी ने पूछे कि करेंगे कि नहीं नहीं मैंने मना कर दिया प्रभु जी अब तो नहीं करेंगे फिर भी बड़ा बार बार मेरे पास आए नहीं ये उत्सव करना ही पड़ेगा गुरुदेव आए हैं ऐसा तिथि और ऐसा उत्सव कभी भी नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार बस थोड़ा एक दो बात बता रहा हूँ। पूज्यपाद भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज जी हमारे गुरुवर्ग एक आर्टिकल में लिखते हैं कि भक्ति जो है निरंतरमय है उसको हर ग्रंथ में श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है कि भक्ति किस प्रकार की अप्रतिहता भक्ति जो है
अहेतु के अपतिहता। तो भक्ति जो है वो निरंतर वस्तु है, कंटिन्यू चलने वाला वस्तु है। तो पूज्य पाठ भक्ति हुए वेदांत बावन को से महाराज उदाहरण देते हुए बोल रहे हैं कि एक समय एक शूटर, एक जो सैनिक, एक शूटर बड़े अच्छा शूट कर लेता था। उसके पास AK-47 था। तो ऐसा शूटर था कि इधर उधर देखते ही, मतलब बिना देखे ही आग बंद करके शूट कर लेता, इतना सामर्थ्य था। तो एक समय वो शूटर जंगल में चला गया और जंगल में जैसे ही चला गया उसके सामने शेर आ गया। अब शेर आ गया और वो सोच रहा है, शेर धीरे धीरे आगे आगे आ रहा है। वो सोच रहा है मेरे पास तो बंदूक है, तुरंत निकालूंगा, तुरंत शूट कर दूंगा, तुरंत मार दूंगा। तो शेर धीरे 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 उसके पास आ रहा है। वो पूरा आराम से बैठा है क्योंकि वो पूरा तीक्ष्ण शूटर था, मतलब देखते ही पूरा बिना देखे ही आग बंद करके शूट कर सकता है। इसका उसका तेज दिमाग था, इसका उसका हाथ हैंड का प्रैक्टिस था। तो शेर आ रहा है और ये पूरा केयरलेस से बैठा है, बोल रहा है कि आ जाएगा पास में, शूट कर लूंगा। और जैसे ही शेर पास में पहुंच गया, शेर दौड़ने शुरू कर लिया, ये अपने जेब में जैसे ही हाथ डालता है देखता है AK-47 है नहीं, बंदूक है नहीं। अब ये क्या किया कि देखा कि इसके जेब में वो AK-47 का बिल था। इसके जेब में AK-47 का बिल था। अब वो बिल को दिखाने लगा, बोल रहा है कि देखो मैं AK-47 का बड़ा शूटर हूँ, ये बंदूक मेरे पास था, इसका बिल, इसका बिल को देखो और मुझे छोड़ दो। छोड़ेगा शेर? कभी छोड़ेगा शेर? नहीं। तो इसे शिक्षा देते हैं, हम पहले ये क्या करते थे, इतना सेवा करते थे, ये करते थे, हम इतना करते थे, अभी नहीं कर रहे हैं, ये सब भक्ति में नहीं चलेगा। सीधा सीधा बात भक्ति मानव से महाराज बोले, हम पहले क्या करते थे अभी नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं तो पहले बहुत किया प्रभु जी, पहले हमने मंदिर में बहुत आए, हर समय इतना किया उतना किया, अभी नहीं कर रहे, ये सब नहीं चलेगा भक्ति में। इसीलिए जो भी हुआ सबको ज्ञात ही है, विशेष रूप में सब करके विशेष करके मठ में आया करे। पहले जिस प्रकार आप लोग आया करते थे उसी प्रकार सब मठ में आया करे। और विशेष रूप में भक्ति जो चीज है ना, ये अप्रतिहता, निरंतर निरंतर करना चाहिए। इसमें भागवत जी में भी बताया गया है कि किस प्रकार अप्रतिहता, जैसे आप बोलोगे कि 24 घंटे में 24 घंटे भगवान के स्मरण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में शास्त्र में बता रहे हैं कि 24 घंटे से 24 घंटा हमको ठाकुर जी का चिंतन करना चाहिए, ठाकुर जी का सेवा करना चाहिए। अब बोलोगे हम तो घर गृहस्थी में रुके हैं, 24 घंटे कैसे दे पाए? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि उदाहरण देते हुए परम गुरुदेव बोल रहे हैं इसको, इस बात को ये उदाहरण देते हुए बोल रहे हैं कि देखो एक माता एक पुत्र से कितना प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। जब उसके पुत्र स्कूल चला जाता है तो वो माता बोलता है क्या, पुत्र आने के बाद प्रेम करूंगा, बेटा आ जाएगा उसके बाद प्यार करूंगा, ऐसा सोचता है? एक पति एक पत्नी से किस प्रकार का प्रेम करता है, एक पत्नी एक पति से किस प्रकार का प्रेम करता है। एक पत्नी को छोड़ के जब कोई पति मिलिट्री करने में इंडिया के गेट में जाकर बॉर्डर पे लड़ता है तो पत्नी सोचता है क्या कि पति आएंगे उसके बाद प्रेम करूंगा? तो उसी काल में विशेष करके क्या होता है, हर समय उसका चिंतन करता रहता है, हर समय उसका चिंतन करता रहता है। इसीलिए जो अप्रतिहता भक्ति में जो निरंतरमय जो सेवा है, निरंतर जो चिंतन है, वो किस प्रकार करना चाहिए कि हम हर काम कार्य कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य केंद्रित है गुरुदेव, हमारा उद्देश्य केंद्रित है गुरुदेव के मनोभीष्ट, हमारा उद्देश्य केंद्रित है ठाकुर जी, हमारा उद्देश्य केंद्रित है हरिनाम। हरिनाम हम करेंगे, उसको केंद्रित करके हम हर कार्य करेंगे। हरिनाम करते हुए हम क्या करेंगे, नाम को विशेष करके हरिनाम करते हुए सब सेवा रुसे कर रहे हैं, कोई मार्केट जा रहे हैं, कोई बाजार में कुछ काम कर रहे हैं, कोई अपना दुकान चला रहे हैं, कोई ऑफिस जा रहे हैं, तो हर कार्य में कोई गाड़ी भी चला रहे हैं, ड्राइविंग काम भी प्रोजी करते हैं, हर सेवा में हरिनाम करना अति आवश्यक है। एक ही उपाय है जो हरिनाम के द्वारा ही जीव का कल्याण हो सकता है। पुरी में एक रियल स्टोरी है, पुरी में कुछ लॉकडाउन से एक महीने पहले, लॉकडाउन हुआ पिछले साल मार्च 20 को, पूरा कर्फ्यू था, तो
उससे कुछ दिन पहले ही नवदीप धाम परिक्रमा था, तो आई थिंक फेब्रुआरी 24 में, मेरा पूरा डेट याद है। तो पुरी में दिल्ली से एक ट्रेन गया, तो पुरी में वहां पे एक्सीडेंट हो गया। पुरी में बस पहुंचते ही कोटा स्टेशन क्रॉस किया और एक्सीडेंट हो गया, मतलब कुछ डिस्प्यूट हो गया ट्रेन में, जो लाइन में जा रहे थे डिस्प्यूट हो गए। आश्चर्य घटना है, न्यूज में भी आया था, सब लोग ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक विशेष जानने वाला बात है। जैसे ही ट्रेन जा रहा था खोर्धा के क्रॉस करके पूरी पहुंचने वाला है, और ऐसा कुछ परिस्थिति हो गया कि सारे बोगी इधर उधर हो गए, लेकिन बीच में एक बोगी बच रह गया, सब बोगी गिर गया, बस एक बोगी रह गया। बाद में पता चला कि उस बोगी में चैतन्य घोड़िया मठ से 20-30 ब्रह्मचारी जा रहे थे, और हरिनाम करते हुए जा रहे थे, भगवान के नाम स्मरण करते हुए जा रहे थे, और कहां जा रहे, धाम में जा रहे। भगवान उनको इस प्रकार का स्थिति दे सकते हैं कभी? और बाकी जितने भी बोगी में देखा गया सब बाघ में सब गिरे हुए, सब इधर उधर होके सब एक्सीडेंट हो गया। बीच का बोगी ब्रो जी, सच्ची बात है, सच्ची घटना है, बीच का जो बोगी था ना वो रह गया, क्योंकि वहां पे वैष्णव बैठते हैं, वैष्णव साधारण खाली नहीं बैठते, हाथ में क्या लेते हैं, हरिनाम लेते हैं, और क्या करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हमारे हर कार्य का केंद्रित क्या होना चाहिए, हरिनाम होना चाहिए। हम नाम करते हुए सब सेवा करेंगे, नाम करते हुए कपड़ा धोएंगे, नाम करते हुए हम स्नान करेंगे, नाम करते हुए प्रसाद बनाएंगे, नाम करते हुए हम ऑफिस आदि में जाएंगे, नाम करते हुए इस प्रकार दिन में जितना प्रकार में जितना मात्रा में नाम चिंतन होगा, रात्रि में भी उतना मात्रा में उठपटन का चीज सपने में आएगा ही नहीं, तो भगवान का चिंतन ही आएगा, भगवान का लीला धीरे 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 स्फूर्ति होगा। नाम नाम के ही प्रभाव है, नाम प्रभु ही सबको ऊपर कृपा करते हैं, जीव को उद्धार करने के लिए नाम प्रभु ही रक्षा करते हैं। अब देखो इससे भी एक बात है, अब नाम तो कर रहे हैं लेकिन हम नाम अपने मन मर्जी से नहीं कर सकते। एक शास्त्र में कुछ विधि है और कुछ निषेध है, उसको हमको पालन करना पड़ेगा। भगवान स्वयं बोल रहे दसमा शास्त्र प्रमाणम थे कार्य अकार्य अजानतम ज्ञातो शास्त्र कर्म करतु यह रसिक। मैं शास्त्र में प्रमाण दे दिया किस प्रकार का विधि को पालन करना है, किस प्रकार का निषेध को किसको छोड़ना है, ये सब मैं शास्त्र में पूरा बोल दिया। अब ये शास्त्र बताएंगे कौन? साक्षात गुरु रूप, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गण, स्वयं कृष्ण ही गुरु रूप में आते हैं और भक्तगण के ऊपर कृपा करते हैं, स्वयं कृष्ण ही वैष्णव के रूप में आते हैं भक्तगण के ऊपर कृपा करते हैं, वही स्वयं कृष्ण ही साधु संत के रूप में आते हैं और अपने महिमा को खुद ही बताते हैं कि मैंने ही शास्त्र में इस चीज को बताया। देखो प्रमाण भी देते हैं, इस जगह पे बोला है, सब चीज देखने के बाद भी वर्ध जी उसको मानता नहीं, सब चीज दिखाते हैं, एक एक करके सब बात को बताते हैं। इसीलिए अपने मन से कभी भी भजन नहीं हो सकता, इसलिए हम बद्ध जीव हैं, हमारा मन कभी भगवान के चरण में लगा ही नहीं सकते, इसलिए वैष्णव भगवान कृपा करते हैं, हमको हरिनाम प्रदान करते हैं, गुरुदेव से हरिनाम ग्रहण करना पड़ेगा। और हरिनाम ले लिया, हरिनाम लेने के बाद हर चीज में कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे हम मकान ले लिए, उसमें एग्रीमेंट रहता है ये करो वो नहीं करो वो करो, हमको कोई बीमार हो गया, बहुत बड़ा सा बीमार हो गया, उस बीमार में उसमें एग्रीमेंट रहता है ये मत खाओ वो मत खाओ, ये चीज ग्रहण करो वो चीज ग्रहण करो, हर चीज में। स्कूल जाते हैं उसमें बोलते हैं ये यूनिफॉर्म पे लो, टाई पहनना पड़ेगा, प्रिंसिपल देखते ही बोलते हैं तुम्हारे सू कहाँ है, फाइन लगा देते हैं उसमें, हर चीज में, जागतिक हर चीज में। तो इतना बड़ा जो भक्ति है, हर चीज में हम पढ़ाई करते हैं, हम हर चीज को पढ़ाई करते हैं, साइंस पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स जितना भी है, जागतिक विद्या, कोई शिक्षा भी देता है, कोई साइकिल भी चलाता है, किसी की कृपा ही है, साइकिल पकड़ के कोई सिखाने वाला है, कोई सिलाता है उसका सीख गया है, कोई ट्रेन चलाता है, कोई हर चीज में एक एक चीज में कोई ना कोई उसके पीछे शिक्षा गुरु है या गुरु है। तो इतना बड़ा जो भक्ति राज्य है, जो भगवान को प्राप्त करेंगे हम सोच रहे हैं, उसके लिए क्या कोई गुरु नहीं है? गुरुकरण करने का आवश्यक नहीं है क्या? उसके लिए तो पहले आवश्यक है, इसलिए गुरुकरण करना आवश्यक ही है। वो शिक्षा देंगे परमार्थ राज्य में हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं, और वो प्रोस्पेक्टस बता देंगे, वो बताएंगे कि हमको ये खाना है, ये चीज छोड़ना है, कंठी धारण करना है, तिलक ग्रहण करना है, ये यूनिफॉर्म देंगे, और ये यूनिफॉर्म ही हमको धीरे धीरे क्या करेगा, एक दिन कामयाब कराएगा। अब सब लोग बोलेंगे विशेष करके कि भाई हम कोई इधर उधर का उत्पटन का चीज खाते हैं, यहाँ सब वैष्णव है तो इधर उधर का उत्पटन का चीज खाते हैं, हम नहीं छोड़ सकते,
तो भैया संसार में किसी से छोड़ा नहीं जा सकता, हर चीज जोड़ा जा सकता है। सांस लेना छोड़ सकते हैं? किसी कोई बोलेगा मुझे बुखार हो गया है, मैं बुखार को छोड़ दूंगा। भाई बुखार छोड़ नहीं सकते हो, तुमको मेडिसिन जोड़ना पड़ेगा। कोई बोलेगा अगर बुखार छोड़ दूंगा, कोरोना छोड़ दूंगा, तो नहीं छोड़ सकता, उसको मेडिसिन जोड़ना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक वो छूटते चले जाएगा। अच्छा चीज जोड़ो तो बुरा चीज ऑटोमेटिक छूट जाएगा। कोई बोल रहा है कि मैं उठपटांग का चीज खाता हूँ, इस प्रकार का सेवा नहीं कर पाता हूँ, तो उसको एक शेड्यूल बनाना चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं उसको एक शेड्यूल बनाना चाहिए। हमारे हर गुरुवर्ग ने एक एक कॉपी रखा, एक एक दिन में हम क्या करना चाहिए, उसका एक शेड्यूल बनाना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए कि हम इतना टाइम इतने समय हम मठ में देंगे, ठाकुर जी की सेवा में देंगे, गुरु की सेवा में देंगे, और इतना समय हम हरिनाम करेंगे। एक शेड्यूल बनाना चाहिए जीव को, और ये फिक्स्ड है, क्योंकि इस प्रकार का व्यस्त जीवन में शेड्यूल नहीं होगा ना। एक दिन का उत्साह से तो कर लेंगे, दूसरे दिन थकावट से फिक्स हो जाएंगे। इसलिए शेड्यूल बना के छक्का ही लेना चाहिए घर घर में, ये पूरा गुरुवर्ग का वाणी है। दूसरे बात है, अगर हम अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा सेवा को ग्रहण करेंगे तो हमारे हृदय भी, चेत दर्पण भी क्या होगा, महापुरुष बोलते हैं सेवा के द्वारा ही हृदय की मलिनता भी दूर होगा। धीरे धीरे हम अगर गुरु वैष्णव के थोड़ा भी, कोई थोड़ा भी सेवा कर रहा है उसका बहुत स्वीकृति है, कोई ज्यादा भी सेवा कर रहा है उसका भी स्वीकृति है, कोई थोड़ा भी सेवा कर रहा है ना वो कम स्वीकृति से थोड़ा भी सेवा नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग हैं बड़ौत में लेकिन गोविंद का सेवा सब नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग हैं लेकिन जगन्नाथ का दर्शन सबको नहीं सुयोग प्राप्त होता है। तो इसीलिए इसी प्रकार थोड़ा भी अगर कोई सेवा करते हैं ना वो बहुत स्वीकृतिवान है, ये मानना पड़ेगा। इसीलिए जीवन में थोड़ा थोड़ा अगर सेवा को हम ग्रहण करेंगे, हम उसको अंगीकार करेंगे, हमारा दायित्व है, ये हमारे गुरुदेव का मठ है, इसमें हमारे गुरुदेव का अधिकार है भाई, हमारे गुरु जी हमारे हैं, ऐसा भावना जब आ जाएगी ना, हमारे गुरुदेव हैं, इस प्रकार का जब अहंकार आएगा। देखो किसी जागतिक जगत में, पता है इस प्रकार का अहंकार क्यों नहीं आता, किसी जागतिक जगत में बहुत सारे लोग किसी के पिता के ऊपर कुछ बोल दिया, किसी के माता के ऊपर कुछ बोल दिया, किसी के बहन के ऊपर कुछ बोल दिया तो भड़क जाते हैं, और गुरुदेव के ऊपर जब बात आ जाता है तो कोई कुछ बोलते हैं, इसका मतलब उनमें ज्यादा प्रीति है, गुरुजी में कम प्रीति है। जब गुरुजी में इस प्रकार का प्रीति आ जाएगा, हमारा गुरुदेव है, हमारा मठ है, हम सेवा करेंगे, हम ये दायित्व हमारा है, इस प्रकार का जब भावना आएगा, इस प्रकार का जब सेवा भावना आएगा, थोड़ा थोड़ा सेवा से, थोड़ा थोड़ा सेवा से ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी तो एक तुलसी दल से बोलते हैं लक्ष्मी को, बोलते हैं कि अरे लक्ष्मी पूरा तुम्हारे ऐश्वर्य खाली कर दो, ये तुलसी देने आ रहा है मुझे, इस प्रकार ठाकुर जी बोलते हैं लक्ष्मी को, बोलते हैं देखो देखो तुलसी देने आ रहे, तुम्हारा भंडार खाली करो उसके लिए चलो। तो इस प्रकार ठाकुर जी इतने दयालु, ठाकुर जी इतने दयालु, ठाकुर जी हमको किसी चीज को छोड़ना नहीं है, हमारे जीवन में बस थोड़ा थोड़ा सेवा को हमको जोड़ना है। हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा, देखो हम उठपटांग का चीज खाते हैं, प्रसाद को जोड़ लो, धीरे धीरे वो छूट जाएगा। हम किसी विशेष करके अगर लेट उठ रहे हैं, मंगल आरती शुरू कर दो मंदिर में आना, तो धीरे धीरे वो जो दुष्प्रभाव वो भी छूट जाएगा। कथा में आ जाना शुरू करो, धीरे धीरे उस पूरा इस प्रकार का शांति अनुभव होता है ना, जब मंदिर में आते हैं, जिस समय हम कथा में बैठते हैं, कीर्तन में बैठते हैं, ठाकुर जी के सामने आते हैं, फिर भी मन तो बहुत बड़े चंचल है, फिर भी थोड़े देर के लिए तो सुकून मिलता है, उसी सुकून के ही सब प्रयास में, उसी सुकून के उसी आनंद के लिए सब भाग रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो चीज कहाँ पे है पता चलने के बाद भी नहीं कर, ये बड़ा विचित्रता है। इसलिए जीवन में ना सबको विशेष रूप में अनुरोध है, हमारे गुरुदेव है, हम सब नहीं मिलेंगे तो किस प्रकार गुरुदेव का मठ का सेवा होगा, किस प्रकार गुरु जी का गोविंद का सेवा होगा, किस प्रकार जगन्नाथ जी का सेवा होगा। इसलिए सबको ना विशेष करके मठ में आप सब कृपया आया करें, और आप आकर के कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सेवा ग्रहण के, थोड़ा थोड़ा सेवा अपने आप रेस्पॉन्सिबिलिटी ले कि ये सेवा मेरा है, ये मेरे गुरुदेव का मठ है, इस सेवा में गुरुदेव के लिए इतना सेवा करूंगा, 5 मिनट टाइम दूंगा बस, ज्यादा नहीं, एक दिन में बस मंदिर में 5 मिनट टाइम दूंगा, इस प्रकार का चिंता जरा हो जाएगा ना तो पूरा बड़ोत फिर गोलोक बनेगा। जब पूरा बड़ोत है तो साक्षात गोलोक बनेगा। तो इसी प्रकार सब लोग कृपा करके, गुरुजी हैं अभी शाम के समय 6:30 बजे कथा कीर्तन होता है, और सुबह भी 5:15 को कथा होता है, और उससे पहले 4:30 को मंगल आरती होता है। कृपया सब मंगल आरती और कथा में निश्चित रूप में आया करें।
और थोड़ा थोड़ा सेवा ग्रहण कर ली, थोड़ा थोड़ा सेवा को गुरुदेव के उद्देश्य से, गोविंद के उद्देश्य से, जगन्नाथ जी के उद्देश्य से थोड़ा थोड़ा सेवा करें। सब लोग जब मिलेंगे तभी एकजुट होंगे, तभी ठाकुर जी का सेवा हो पाएगा। और इतना बड़ा गुरु जी का सपना है कि यहाँ बड़ोस में बड़ा मंदिर बने, तो वो भी तो पूरा करना है, तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो इसी प्रकार सबका सहयोग जब होगा तभी हो पाएगा। तो इसी सब प्रार्थना के साथ बांछा गर्भद्रोषण आप पूजा सेवा ठीक सी को ठाकुर का एक टाइम ठाकुर की पूजा करना। पूजा मतलब ठाकुर को भोग लगाना, करिए बच्चों को ना समय मिलेगा जो प्रचार करने के लिए सब पाठ। हरे कृष्ण गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल बल राधा मयारी गोविंद जय जय कानी बजाते
कहाँ गई पत्नी? क्या नाम उसकी? हरे कृष्णा। हाँ मिथिले आ जाओ मिथिले, सब हाथ में फूल दे दो, फटाफट दो। गुड टेक केयर। ओम स्वस्ति नो गोविंदः, स्वस्ति नो अच्युतानंदो, स्वस्ति नो वासुदेवो विष्णु दधातु, स्वस्ति स्वस्ति सुमंगल केशव महान श्री कृष्ण सच्चिदानंद सर्वे सर्वेश्वरा दधातु, लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभव हृदयस्तु जनार्दन माधव माधव वाचि माधव माधव हृदि स्मरन्ति साधव सर्वे सर्व कार्येषु माधव लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभव येषां इन्दिवरस्यां हृदयस्तु जनार्दन श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 जय 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 हरि हरि बोल मंगलम भवतु हरि बोल मलल दोनों दोनों आप पीस को एक आप हरी बोल जय माला हरी एक बार बना के दुखी होली दूसरी बार हरी बोल अरे आप पहन लो आप पहन लो हरी बोल जी जय।